हे एवरीवन, जन्माष्टमी के लिए झूला बनाएंगे हम आज ओल्ड कैलेंडर से। मैंने पहले ही इसमें कट कर लिया था और हम इस पे करने वाले हैं वाइट एक्रिलिक पेंट। ये बेस रेडी करने के बाद हम इस पे फैब्रिक लगा देंगे ताकि ये जो गंदा पार्ट है वो छुप जाए। इस बार जन्माष्टमी की डेकोरेशन थी मैंने लोटस फ्लावर पे रखी है, बिकॉज कहीं ना कहीं राधा कृष्ण हैं या फिर कोई भी भगवान जी हैं, उनको लोटस ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए मैंने लोटस चूज़ किया है। मैंने माखन मटकी बनाई है, उस पर भी मैंने लोटस ही ड्रॉ किया। उनके लिए छत्र जो बनाया उस पर भी लोटस ही ड्रॉ किया है। मास्किंग टेप की हेल्प से हम इसकी एजेस को सिक्योर कर लेंगे, फिर आउटलाइन ज़रूर कर देंगे ताकि इसकी डिज़ाइन है वो उभर कर आए। राधा कृष्ण को इस बार हम नया लुक देंगे। राधा जी की साड़ी को रेड करेंगे पेंट एंड कृष्णा जी के धोती को येलो। इनके मुकुट को भी मैंने पेंट कर दिया है और जो भी डिज़ाइंस है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। नीचे इसमें भी कमल की ही पेटल्स हैं। कृष्णा जी का छत्र बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड कट किया। सेम साइज़ पर ही फैब्रिक पर हम पेंटिंग करेंगे। इसमें भी रेड कलर का ही रोटस ड्रॉ करेंगे जैसा कि हमने झूले पे किया था। ऑरेंज कलर की आउटलाइन भी करेंगे, देन ग्लू गन की हेल्प से इसे हम इस पर पेस्ट कर देंगे। ये वाला फैब्रिक चूज़ करने के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि कान्हा जी के मोरपंख में ये वाला रंग होता है। गोल पिलो बनाएंगे और इसके अंदर हम फिल कर लेंगे रुई को, फिर इसे सिल देंगे ताकि इसमें ये सही से फिट हो जाए। पुराने चूड़ी के बॉक्स से हम बनाएंगे राधा कृष्ण जी के लिए झूला। इसमें फैब्रिक लगा दूंगी, देन इस पर हम वाइट बीड्स लाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मिरर भी लगा देंगे, फिर ये अच्छा लगेगा और ज़्यादा। ग्रीन कलर की डोरी को हम लगा देंगे झूला के ऊपर, फिर हम एक वायर की हेल्प से इसमें हैंगर बनाएंगे और उन्हें इस कैलेंडर के बनाए हुए झूले पर हैंग कर देंगे। फिर जो हमने झूला रेडी किया है वो इस पर हैंग कर देंगे। छत्र को लगा देंगे और आप देखिए कितना सुंदर लगने वाला है। इसके पीछे लगा देंगे मोर पंख, देन हम दोनों तकिया रख देंगे। दोनों साइड पे मैं दोबारा मोर पंख लगाने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। फिर हम इसमें विराजमान करेंगे राधा कृष्ण जी को, नेक माला पहनाएंगे। और जो मैंने माखन मटकी बनाई थी इसे आप पिछली वीडियो में शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा, राधा कृष्ण की डेकोरेशन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द वीडियो।